अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के शोहर ज़हीर अहमद के बारे में एक और अफसोसनाक ख़बर सामने आई है, और ये ख़बर कहीं और से नहीं बल्कि ज़हीर के गाँव वालों ने बताई है, ज़हीर के महल्लेदारों ने बताई है। नाज़रीन, ये ख़बर अभी तक मीडिया पर नहीं आई, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इस ख़बर की मुकम्मल तफसील मुकम्मल सबूतों के साथ आपके सामने आ जाएगी। नाज़रीन, ख़बर ये है कि जब मीडिया के कुछ लोग ज़हीर के बारे में कुछ मालूमात इकट्ठी करने के लिए उसके गांव जाते हैं, तो गांव वालों से ज़हीर के बारे में पता करते हैं कि आपके गांव में एक ज़हीर नामी लड़का रहता है, हमें उस ज़हीर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें उसके बारे में आपसे बात करनी है। तो नाज़रीन, कुछ लोगों ने मीडिया के दोस्तों से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इनसे बात की और इन्होंने जो भी सवाल पूछे उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन एक बंदे ने ज़हीर के बारे में ऐसी बातें बताईं कि हम खुद चौंक गए। वो बात ये थी कि उस बंदे का कहना था कि ज़हीर ने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया कि पबजी पर दुआ ज़हरा से दोस्ती की और उससे शादी की और उसे धोखा दिया। ज़हीर ये सब कुछ एक लड़की के साथ पहले भी कर चुका है। उस बंदे ने बताया कि ज़हीर ने बिल्कुल इसी तरह लूडो गेम से एक लड़की के साथ दोस्ती की, उसको अपने जाल में फंसाया, फिर उससे काफ़ी देर तक तल्लक भी रखा और उसको बड़े बड़े सुहाने ख्वाब भी दिखाए, लेकिन उससे शादी नहीं की। लड़की बार बार कहती थी कि मुझसे शादी करो, अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो, लेकिन ज़हीर उससे झूठे वादे करता रहा कि आज भेजूँगा या कल भेजूँगा। जब लड़की को कन्फर्म हो गया कि ज़हीर उसे धोखा दे रहा है, तो उसने ज़हीर को उसके गांव आकर जूते मारे और उसको छोड़ दिया। ज़हीर के गांव के बंदे ने बताया कि ये ज़हीर एक नंबर का आवारा लड़का है, इसका कोई बिजनेस नहीं, कोई कारोबार नहीं, ये झूठ बोलता है कि मैं 80,000 एक महीने का कमाता हूँ। इसका तो सारा दिन काम ही यही है कि कभी लूडो गेम पर लड़कियों से बात करना, उनको फंसाने की कोशिश करना, और या फिर पबजी पर लड़कियों से बात करना और उनको फंसाने की कोशिश करना। दुआ ज़हरा की किस्मत ख़राब थी जो इसके चुंगल में फंस गई। नाज़रीन, जब ये ख़बर तमाम सबूतों के साथ मीडिया पर सामने आएगी, तो इस मासूम ज़हीर की असलियत सबके सामने आ जाएगी, और जितने भी लोग YouTube पर बैठकर ज़हीर को फरिश्ता साबित करने में लगे हुए हैं, इनको और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ज़हीर का असली चेहरा कितना घिनौना है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ इस खबर की मुकम्मल वीडियो सबूतों के साथ शेयर करूंगा। जब वो आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे कि ये सीधा साधा नज़र आने वाला ज़हीर कितना धोखेबाज है और कितना ख़तरनाक है। नाज़रीन, आपकी इस सारे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।